सो गाइस ये है वो जगह, आपको मे भी याद होगी, यहाँ पे मैं पिछली बार भी आई थी जब मुझे न्यूरो की सर्जरी मतलब देखने को मिल रहा था तब। दादा हिंदी हिंदी फोटो रबता है? Нет, нужен оригинал паспорта. Хорошо. Один секунд. So guys, I got my passport. Если вы खोल के देखते कुछ है भी नहीं मतलब। Hey guys, welcome to Future Doctor Santaina Misha. So guys, इस वीडियो में मैं आपको आज का दिन अपना दिखाने वाली हूँ कि क्या चल रहा है आज के दिन, क्योंकि आज से हमारा नया जो सेमेस्टर है वो शुरू हो रहा है, फिफ्थ ईयर का हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है या फिर आप बोल सकते हो हमारे जो टेंथ सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड मेरी जो फर्स्ट क्लास है वो है गायनोकोलॉजी की, तो बस हम जा रहे हैं, अब जल्दी जल्दी पहुंचना है। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ तो बस अब जल्दी जल्दी से जाना है वहाँ पे, एंड चलो चलते। तो गाइस मेरी गायनो की जहाँ क्लास लगती है वहाँ मैं पिछली बार भी आपको दिखा चुकी हूँ वो जगह, वो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं वो जगह। उससे पहले गाइस आप ये जगह देख रहे हो, ये सारे इतने स्लिपरी जगह है ना, यहाँ पे सब तब से फिसल फिसल के जा रहे हैं, मुझे वही टेंशन हो रहा है कि यहाँ मैं गिर ना जाऊँ। सो गाइस ये है वो जगह, आपको मे भी याद होगी, यहाँ पे मैं पिछली बार भी आई थी जब मुझे न्यूरो की सर्जरी मतलब देखने को मिल रहा था तब, तो हमें यही जाना है अभी। तो गाइस अभी मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और अब मैं जा रही हूँ पोस्ता रूसी, जहाँ पे हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं ना, जो काम होते हैं वैसे ही है यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पे कहलाता है उसे हम पोस्ता रूसी बोलते हैं, तो वहाँ अभी मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक ऑर्डर किया था कुछ सामान, तो वो आ गया है एंड मुझे बस वो लेने जाना है, अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुछ सामान कहीं पर वापस भी करना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी एंड देन फिर देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। अगेन मुझे ये गंदे रोड से जाना है, तो गाइस अभी फिर से मुझे उसे रास्ते से जाना है, वही फिसलन भरे रास्ते से। और इतना डर लगता है ना यहाँ पे जाने से, क्योंकि अगर आप यहाँ गिरे ना तो हफ्ते भर सोच लो कि आपको वो दर्द बने ही रहेगा, वो जो दर्द आपको मिलेगा ना वो आपको पूरे टाइम याद दिलाएगा कि आप कैसे गिरे हो। मम्मा बहुत गए यहाँ पे, बहुत फिसलन है। और दूसरी चीज़ ये है ना, हम तो फिर भी चलो फॉरेनर्स हैं, हमको आदत ही नहीं है। तो गाइस मैं बोल रही थी कि हम तो यहाँ फिर भी फॉरेनर्स हैं, हमें तो आदत ही नहीं है यहाँ ऐसी जगह पे चलने की, लेकिन ये जो रशियंस है ये खुद ही गिरते रहते हैं यहाँ पे, तो हम किस खेत की मूली है, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि अगर ये इतने साल यहाँ रह रहे हैं, यही पैदा हो गए हैं, फिर भी ये गिरते तो हम तो गिरेंगे। बट स्टिल अगर ऐसे देखा जाए, मैं जितने साल मुझे हुए लाइक 5 सालों में मैं सिर्फ 2 बार गिरी हूँ, सच में गिरी हूँ। और जो लगी है, एक बार मुझे मेरे नी पे लगी थी और वो इतनी तेज़ लगी थी कि मतलब पूरे काले काले निशान हुए थे मेरे दोनों नीज पे, बहुत ज़्यादा। हिंदी हिंदी सो गाइस अभी जो लेडी मुझे मिली थी वो मुझे ये बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत सुंदर हो, यही सारी चीज़ें वो मुझे बोल रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ के हो, कौन से कंट्री के हो, तो मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ। तो फिर वो बोले कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो आप लोग, तो यही सब बातें की है उन्होंने मुझसे। यहाँ के लोग एक्चुअली गाइस बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली टाइप के होते हैं, आप उनसे अगर ग्रीट करोगे ना तो वो भी आपसे बात करने लगते हैं, और ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। गाइस जो लोग भी सोचते हैं कि आप जब बाहर जाते हो
तो कोई स्ट्रगल नहीं होता लाइफ में, बहुत अच्छी हो जाती है, प्यारी होती है लाइफ। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जब आप आते हो तो इतनी स्ट्रगल आपकी शुरू होती है। सबसे पहला स्ट्रगल तो ये वेदर ही है ऑफकोर्स, और यही सबसे बड़ा आपका स्ट्रगल होगा, क्योंकि आप इस वेदर में चलना फिरना ये सारी चीज़ें, जो हम बाहर निकलते हैं तो ये जो एक्सट्रीम वेदर को फेस करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बट विद टाइम हम धीरे धीरे सीख जाते हैं सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं ये अभी भी, जैसे मुझे तो 5 साल हो गए यहाँ पे रहे, बट कहीं ना मुझे आज भी लगता है कि यार क्यों ठंड क्यों पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। और पहले जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब तो बर्फ़ देख के बहुत खुशी होती थी, सीरियसली ऐसा लगता था वाह कितना अच्छा है। लेकिन अब तो मुझे नफरत सी हो गई है बर्फ़ से, अब मुझे लगता है कि यार कुछ भी हो जाए ऐसी जगह रहो जहाँ बर्फ ना हो। बट कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो गाइस अभी यहाँ पे रिसेंटली गर्मी आना शुरू हो गई है, आप देख सकते हो कैसे कीचड़ कीचड़ हो गया है यहाँ पे पूरा। अब ऐसे ही यहाँ पे होगी, बर्फ पिघलेगी, कीचड़ होगा, फिर जब थोड़ा ठंड हो जाएगी तो यही बर्फ फ्रीज हो जाती है एंड इसी में फिर हम फिसलने लगते हैं। ये आप जो बर्फ़ देख रहे हो इसमें हमें चलना पड़ता है, ये इतनी धसती है ये बस बर्फ कि क्या बताएं, इसमें चल चल के जाना पड़ता है, आधा टाइम हमारा इधर ही चले जाता है चलने में। तो गाइस आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पोचता रूसी, यही है पोस्ट ऑफिस जहाँ हमें जाना था। जल्दी से पहुँच जाते हैं, अब थक गई हूँ यार मैं भी बहुत, आधा एनर्जी तो गाइस ये बर्फ में चल चल के ही निकल जाती है हमारी। चलो जल्दी से चलते हैं फिर, और फिर मेरा पार्सल लेते हैं जल्दी से, और देखते हैं कि ठीक ठाक आया भी है कि नहीं। तो गाइस यहाँ से हमें पहले एक चिट लेनी पड़ेगी, जिसमें हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं। तो P35 है मुझे मिला है नंबर, अब हमें वेट करना, बाजू लगा है उसमें आएगा टीवी स्क्रीन पे जो भी नंबर है और विंडो कौन सी हमें चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है P35 विंडो नंबर 2, तो हमें जाना है विंडो नंबर 2 पे जो कि इधर है नंबर 2। अभी मुझे ये दिखाना है उनको, दस अच्छा पासपोर्ट द फोटो रबतेद नियत मुझे ओरिजिनल पासपोर्ट करोशो अदन सेकंड। गाइस हमें पासपोर्ट देना पड़ेगा ऑफकोर्स, we have to wait. So guys, I got my parcel. ऐसे अब खोल के देखते कुछ है भी नहीं, लग तो रहा नहीं, बहुत हल्का लग रहा है, I doubt कि कहीं कुछ गड़बड़ ना लगी हो, देखते हैं पासपोर्ट रख लेते हैं जल्दी से अंदर। यही अनपैकिंग करेंगे, मैंने पैक ऐसे किया ना जैसे पता नहीं हीरे मोती भेज रहा है। इट्स अ पेंसिल फॉर अ टैब, बट जिस तरीके से ये आया है
आई डाउट इट विल वर्क. मुझे अभी ये चला के देखना पड़ेगा अपने टैब में. गाइस अगर आप वो देख पा रहे हो, ये है वाइल्डबेरी. हमें उधर जाना है उस साइड. यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे अभी हम. बत्तख बोलने में कबूतर. यार यहाँ चलने में इतनी दिक्कत हो रही है. वो बंदा यहाँ साइकिल चला रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कोई इतना. सो गाइस यही है हमारे बस स्टैंड भी. जब हमें यूनिवर्सिटी वगैरह साइड जानी होती है तो हम यहीं आते हैं. यार कितने अच्छे अच्छे बैलून्स हैं यार. हो रहा हमारी मंजिल, हमें उधर ही जाना है. चलो जल्दी. Кстати, пройдите сюда. Да, да. О, я не знаю это. А, английский не знаете? Да. Никак не вернуть. Нет. Две недели. Хорошо. Спасибо. तो गाइस मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या कांड हुआ है अभी. तो जो ऑर्डर मैंने किया था, एक्चुअली उसका रिटर्न का एक टाइम पीरियड था जो कि था 2 वीक्स का. बट मुझे वो चीज़ दिखी नहीं थी कहीं भी कि हाँ 2 वीक्स तक में ही हम रिटर्न कर सकते हैं. आई थिंक मुझे 3 वीक्स हो गए और फिर मैं ये रिटर्न कर रही हूँ. तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब ये रिटर्न नहीं हो सकता. और मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं दिखा कहीं पे ये भी. तो उन्होंने मुझे फिर दिखाया भी कि यहाँ पे लिखा था, जो कि बहुत बहुत गंदी जगह पे लिखा था यार. ऐसा छुपा हुआ था ना वो, मैं कभी ढूंढ नहीं पाती कि हाँ यहाँ पे लिखा है रिटर्न पॉलिसी के बारे में. मतलब उन्होंने ये लिख दिया था बड़ा बड़ा कि हाँ रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कितने ड्यूरेशन में कैसे क्या करना है ये सब उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था.
तो ये उन्होंने बहुत गलत किया है, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, रिटर्न उसे मना कर दिया कि होगा ही नहीं, तो कुछ नहीं, अब वापस चलो घर। तो अब मैं बस हॉस्टल जा रही हूँ, अपने खाऊंगी फिर सोऊंगी, फिर पढ़ना भी है, तो चलो अब जल्दी से हॉस्टल पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।